इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। हाँ दोस्तों, आज यही हाल हो गया है आरसीबी का। आज उसके फैंस इस उम्मीद के साथ इस मैदान पर आए थे कि आज आरसीबी निश्चित ही इस मैच को जीत जाएगी और वो अपने फैंस का दिल खुश कर देगी, लेकिन आज भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज एक बार आरसीबी फिर हार गई और उसने अपने फैंस का दिल तोड़ दिया। हाँ दोस्तों, मैं तेजवीर सिंह आप तक स्पोर्ट्स न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूंगा दिल्ली और आरसीबी के बीच हुए 11वें मैच के बारे में। तो दोस्तों, आज के मैच में क्या हुआ, किस खिलाड़ी ने बेटर प्रदर्शन किया, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरे सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या आरसीबी इस सीरीज में कोई मैच जीत सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। तो आइए चलिए जानते हैं आज के मैच में क्या हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली की टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अब बेंगलोर की तरफ से एक बार फिर स्मृति मंदाना और सोफी डिवाइन ने पारी की शुरुआत की। दोस्तों, आरसीबी के सारे फैंस को आज ये उम्मीद थी कि आज उनकी कप्तान अच्छा खेलेगी, लेकिन स्मृति मंदाना ने, उनकी कप्तान ने आज फिर अपने फैंस का दिल तोड़ दिया, उनको एक बार फिर धोखा दिया। आज वो फिर बहुत ही बेकार खेलकर आउट हो गई और आज उनका हर एक फैंस उनसे बस यही कहे जा रहा था। दोस्तों, इस तरीके से आरसीबी की कप्तान स्मृति मंदाना 15 बॉलों में 8 रन बनाकर आउट हो गई। उसके बाद आई सोफी डिवाइन जो कि अच्छा खेल रही थी, 19 बॉलों में 21 रन बनाकर वो भी आउट हो गई। उसके बाद मोर्चा संभाला पैरी ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की और उनका पूरा साथ दिया ऋचा घोष ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और 16 बॉलों में 37 रन बना डाले। हर व्यक्ति यही कहने लगा। तो आप उनके रनों की रफ्तार का पता इस बात से लगा सकते हैं कि दोनों ने मिलकर 34 बॉलों में 74 रन की पार्टनरशिप कर दी और अपनी टीम का स्कोर एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा दिया। उन्होंने मिलकर अपनी टीम का स्कोर 150 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और दिल्ली को जीतने के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य 151 रन का दिया। समय ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से ऋचा घोष और पैरी खेल रही थी कि ये स्कोर 180 के करीब जाएगा, लेकिन इसको रोकने का मेन काम किया था शिखा पांडे ने। 4 ओवर में 23 रन देके 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। A few moments later, दिल्ली की तरफ से शुरुआत करने आई सैफ अली वर्मा और कप्तान लैनिंग ने पारी की शुरुआत की, लेकिन पहले ही ओवर में स्कट ने सैफ अली वर्मा को आउट कर दिल्ली को पहला झटका दिया। सैफ अली वर्मा अब तक इस श्रृंखला में बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन आज पहली बॉल पर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गई और इस तरीके से दिल्ली को पहला झटका लगा। अली वर्मा के आउट होने के बाद आई कैप्सी और लैनिंग ने बहुत तेजी से रन बनाना स्टार्ट किया। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 45 रन के पार पहुंचा दिया। वहीं पर कैप्सी ने ताबड़तोड़ 24 बॉलों में 38 रन बनाए, लेकिन बोस की बॉल पर वो कैच थमा बैठी और इस तरीके से उनकी पारी का अंत हुआ। कप्तान लैनिंग और रोड्रिग्स ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन कप्तान लैनिंग भी अच्छा न खेल सकी और वो भी 15 रन बनाकर जल्दी ही आउट हो गई और इस बार पहली बार इस श्रृंखला में आरसीबी ने विपक्षी टीम पर इतना दबाव बनाया था और ऐसा लग रहा था कि आज आराम से इस मैच को आरसीबी जीत जाएगी। लैनिंग के आउट होने के बाद आई काप और रोड्रिग्स ने अपनी पारी को संभाला और दोनों ने मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप की और अपनी टीम को लगभग जीत के करीब पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद आशा ने रोड्रिग्स का विकेट लेकर मैच में एक बार फिर रोमांच पैदा कर दिया। उसके बाद आई जॉनसन और काप ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और दोनों ने फिर एक बार दिल्ली की तरफ मैच को मोड़ लिया। अब उसे जीतने के लिए 10 बॉलों में 15 रन की जरूरत थी। लास्ट की 4 बॉलों में सिर्फ दोनों ने मिलकर 2 रन बनाए और इस तरीके से लास्ट ओवर में 8 रन की जरूरत थी, लेकिन जॉनसन ने एक छक्का और चौका लगाकर ये जीत दिल्ली को जिता दी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।